मुल्क भर की तरह कराची में सजादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज़ है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर सेहत की जानिब से मुहिम का इफ्तिताह किया गया था। शहर में 22 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं यासिर सलीम। यासिर सलीम, आप इस वक्त गुलशन इकबाल में मौजूद हैं, बताइएगा क्या मज़ीद अपडेट्स हैं। आज बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी पोलियो मुहिम इंतहाई कामयाबी से जारी है। आज इस मुहिम का जो है वो दूसरा रोज़ है। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट गुलशन इकबाल के पोलियो ऑफिस के अंदर, इंसदादे पोलियो ऑफिस के अंदर, जहां पे मुहिम के दौरान जो है वो कराची के अंदर ये बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जिस यूसी के अंदर UC 6 में हम मौजूद हैं, वहाँ पर तकरीबन 8,000 से ज़्यादा बच्चों को इंसदादे पोलियो मुहिम की जो है वो इस मुहिम के दौरान जो है वो कतरे पिलाए जाएंगे। हम आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर सेहत सिंध की जानिब से जो है वो इस मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया था, और उसके बाद जो है उनका ये कहना है कि कराची के अंदर तकरीबन 22 लाख से ज्यादा बच्चों को इंसदादे पोलियो मुहिम में खतरे पिलाए जाएंगे, और सिंध में जो है वो तकरीबन 90 लाख से ज्यादा बच्चों को जो है वो इस मुहिम में पोलियो के खतरे जो है पिलाए जाएंगे। पोलियो से बचाव के खतरों के साथ साथ जो है वो विटामिन ए के जो 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 ड्रॉप्स हैं उनको भी जो है वो इस मुहिम के अंदर शामिल किया गया है, और सात रोज तक ये मुहिम जारी रहेगी। आज इस मुहिम का जो है वो दूसरा रोज है, और आखिरी 2 दिन जो है वो इस मुहिम कैचअप डेज के तौर पर मनाए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया यासिर सलीम, तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए।